गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड क्लास थर्ड सब्जेक्ट ENV मीन्स लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 14 योर फूड्स। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन बताया था। अब हम इस लेक्चर में करेंगे उसका वर्कबुक सॉल्यूशन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो इच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स न लेटर अल्फाबेटिक इन द प्रोवाइडेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन। आपको यहाँ पे फोर्थ ब्रैकेट्स में आंसर दिए होंगे डिफरेंट, तो हमें एक क्वेश्चन रीड करके उसमें करेक्ट आंसर का लेटर लिखना है अल्फाबेट। तो हाउ डज वेनुस फैमिली डू देयर ओन वर्क। जो टेक्स्ट बुक में हमने देखा था ना, वेनुस की फैमिली थी और रानी की फैमिली थी, तो उसमें वेनु की फैमिली थी वो सब काम उसकी मम्मा कर रही थी कि उसके पापा कर रहे थे कि सब अब के उसके अलग अलग काम कर रहे थे कि सब साथ मिलकर कर रहे थे, साथ में करते थे, तो इसमें आएगा एवरीवन वर्क टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। या फिर फोर्थ ब्रैकेट्स ने आपको थिंग्स दी है और इनमें से सही आंसर चूज करके हमें लिखना है कि प्लांट्स में से कौन सी चीज़ हमें मिलती है। तो मिल्क, कॉड, पैड्स एंड टर्मरिक। तो इसमें से टर्मरिक है वो हमें प्लांट में से मिलती है, तो इसमें हम करेंगे डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स हमें क्या मिलता है, तो कि पोटेटोज, वूल, रबर एंड जागरी। तो एनिमल्स में हमें मिलता है वूल, उन। फोर्थ, व्हाट डू यूज टू मेक फूड टेस्टी। फूड टेस्टी बनाने में आप क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें आएगा सोल्ट। बाम स्पाइसी बनाएंगे, मसालेदार बनाएंगे, फिर भी हमने उसमें सोल्ट नहीं डाला होगा तो उसका टेस्ट आएगा नहीं, तो इसमें आएगा बी। फिफ्थ, व्हाट इज डन फॉर अ स्प्रेन इन द लेग। आपके पेग में पैर है, उसमें पेन होता है, मतलब स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना, पैर में आपको मोच आ गई है, तो आप उसमें क्या लगाएंगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा, तो कोल्ड वाटर एंड इंजेक्शन, अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक एंड सोल्ट इज अप्लाइड, के लेमनेड विथ लॉट्स ऑफ अ शुगर टेकन। ठंडा वो पानी डालेंगे, इंजेक्शन लगाए के, या हल्दी और नमक, टर्मरिक का मतलब हल्दी और नमक का मतलब सोल्ट, इन दोनों को मिलाकर पानी डालकर उसको क्या बने होट करेंगे, मतलब गर्म करके उसमें जहाँ पे पैर में मोच आ गई हो वहाँ पे आप लगाएंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सी। सिक्स, फॉर विच आईलाइनर्स आर क्लॉज यूज। तो यहाँ पे का मतलब होता है लविंग, तो इसका यूज़ आप क्या पे करेंगे, लाइनिंग्स का मतलब होता है कुछ दर्द होना, तो आपको कहाँ पे दर्द होता है तो उसमें आप इसको क्लोज का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बी। फोर्थ, टूथपेस्ट। आपके टीथ में दर्द होता है तो आप उसकी टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन, व्हाट इज़ नॉट यूजफुल फॉर कोल्ड एंड कॉफ, मतलब सर्दी और कॉफ में आप किसका यूज़ नहीं करेंगे, डी। ब्रू का मतलब काढ़ा, और अदुलसा लीव्स, फिर ड्राई जिंजर पाउडर एंड जागरी टेबलेट, फिर तुलसी लीव्स, तो इन तीनों का आप यूज़ कर सकते हैं। जिंजर का मतलब होता है अदरक, जागरी का मतलब होता है गुड़। बटर मिल्क विथ क्यूमिन सीड, मतलब बटर मिल्क का मतलब है छाछ और क्यूमिन सीड का मतलब जीरा सोल्ट, तो वो आप पियेंगे तो आपको ज़्यादा कॉफ एंड सर्दी हो जाएंगी, तो आपको इसका यूज़ नहीं करना है, तो इसमें आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके फिर उसमें ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। फर्स्ट, डज द वर्क ऑफ कुकिंग इन रानीज हाउस। रानी के हाउस में कौन खाना बना रहा था, तो कि मदर, मदर लिखेंगे हम। फिर नेक्स्ट, ऑयल फॉर फ्राइंग पूरी इज ऑब्टेन फ्रॉम, आप फ्राइंग का मतलब है तलना, तो आप पूरी तलते हैं तो उसमें ऑयल मतलब तेल का यूज़ करते हैं, तो वो तेल कहाँ से आपको मिलता है, तो वो मूंगफली में से मिलता है, तो वो एक क्या है, सीड से, एक बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीड। फिर काउस, बफेलोस एंड गोट्स गिव यूज एज अ फूड, वो तीनों है एनिमल्स, वो हमें फूड क्या देते हैं, तो कि मिल्क। फोर्थ, टू काउ जॉइंट
करी जॉइंट पेन डेज इज अ यूज्ड। आपको आपके हाथ पैर में एकदम आपके सब मसल्स एकदम जॉइंट हो गए और आपको दर्द होता हो तो आप उसमें हॉट वाटर का करेंगे अप्लाई तो आपको एकदम ठीक हो जाएगा। फिफ्थ, व्हेन स्मॉल चिल्ड्रन सफर फ्रॉम गैस ट्रबल डेज इज द अप्लाइड अराउंड देयर नेवल। छोटे बच्चे खुद को उसको गैस हो जाता है मतलब उसके पेट की तकलीफ होती है तो आप उसको अजवाइन देंगे तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पुट राइट टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ देयर्स दैट आर फॉल्स। सेंटेंस रीड करके वो सही है या गलत, सही है तो राइट टिक मार्क अगर और गलत है तो उसमें करेंगे हम रॉन्ग टिक मार्क। तो फर्स्ट देखते हैं, ऑल द हाउस होल्ड वर्क हैज टू बी डन ओनली बाय मदर। क्या सभी काम घर आपके घर में आपके मम्मी करते हैं या और भी लोग करते हैं? तो आपको यहाँ पे ओनली फॉर मम्मी का ही बताया है मदर, तो नो, सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते होते हैं तो इसमें क्रॉस करेंगे फॉल्स। सेकंड, वेनस फैमिली लिव्स विच अदर्स सपोर्ट। वेनस की फैमिली थी उसमें क्या सब सपोर्ट कर रहे थे काम के लिए? तो यस ट्रू, तो इसमें राइट ट्रिक वर्क। मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क है वो एनिमल में से प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होती है तो इसमें आएगा राइट। एनर्जी टू बी वर्क इज ऑप्टेंड ओनली बाय ईटिंग अ फूड। क्या हम एनर्जी के लिए हमारा ब्लड ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए कुछ हमें एनर्जी चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या ओनली फॉर हम फ्रूट्स का ही यूज़ कर सकते हैं? नो, इसमें आएगा क्रॉस। फिर आप इसमें घी सब खा सकते हैं तो इससे आपकी एनर्जी बढ़ सकती है तो ओनली फॉर फ्रूट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, सब्जी की रोटी की सब खाने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट फिफ्थ, टू कर कोल्ड एंड कॉफ लेमनेड इज़ वेरी यूजफुल। सर्दी खांसी में क्या लेमन ज़्यादा ज़रूरी है वो यूज़फुल होता है लेमनेड मतलब नींबू पानी? नो क्रॉस। केबेज इज़ द लीफी पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफी का मतलब ढेर सारे पत्ते, केबेज है उसमें ढेर सारे पत्ते होते हैं यस, तो इसमें लिख देंगे हम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलो कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे आपको ए कॉलम और बी कॉलम में कुछ क्या दिया है थिंग्स और लाइनिंग्स मतलब जो दर्द होता है उसमें आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो ए में लिखा है और बी में लिखा है, सभी दर्द लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइनिंग्स का मतलब दर्द होना, और बी मिडल में आपको लिखना है आंसर। तो टर्मरिक है, टर्मरिक आप किस दर्द में यूज़ कर सकते हैं? एफ जॉइंट पेन, पैर में हाथ में अगर आपको मोच आ गई हो तो इसमें आप उसका यूज़ कर सकते हैं टर्मरिक का। एफ अजवाइन, अजवाइन का आप यूज़ कर सकते हैं कोल्ड एंड कॉफ। डी लिखेंगे हम सर्दी हो गए तो आप अजवाइन का दूध पिएंगे गरम, क्या हॉट एकदम बॉइल्ड मिल्क करना है फिर उसमें आप अजवाइन डाल दोगे तो आपको कॉफ और सर्दी नहीं रहेगा। फिर है नेक्स्ट एसोफाइटेडा, तो वो होता है इसमें आएगा एसोफाइटेड का मतलब होता है हींग, तो उसका आप करेंगे गैस एंड ब्लोटिंग मतलब गैस होता है ना पेट में, पेट फुला फुला लगता है कुछ खा नहीं सकते हैं आप, तो इसमें हींग का आप यूज़ करेंगे। पानी एक गिलास लेकर उसमें हींग एक स्पून डालकर आप पी लेंगे तो आपका वो गैस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर है फेनुग्रीक, फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी दाना, तो इसमें आप लिख देंगे, मैंने उसका आंसर लिखा है सॉरी मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ सी लिखेंगे आप इसमें हेडेक। हेडेक का मतलब क्या होता है? सर दर्द, जो सर दर्द होता है उसमें आप फेनुग्रीक सीड का ऑयल बनाकर उसका भी मसाज कर सकते हैं, फिर रात को एक फेनुग्रीक सीड से उसको पानी में भिगो कर सुबह उसका पानी से आप हेयर वॉश करते हैं शैम्पू के बाद उसको आप लगाएंगे तो आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। फिर एक क्लाउस, क्लाउस का मतलब होता है लविंग और उसका यूज़ हम करते हैं टूथपेस्ट मतलब टीथ में जो दर्द होता है तो लविंग का पाउडर लगा अगर आप टूथब्रश में लगाओगे तो आपका दर्द टीथ का ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1-4 कंप्लीट कर लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।